आखिर उल्लू कैसे बना महालक्ष्मी जी का वाहन, आइए जानते हैं। प्राणी जगत की संरचना करने के बाद एक रोज सभी देवी देवता धरती पर विचरण के लिए आए। जब पशु पक्षियों ने उन्हें पृथ्वी पर घूमते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह सभी एकत्रित होकर उनके पास गए और बोले, आपके द्वारा उत्पन्न होने पर हम धन्य हुए हैं। हम आपको धरती पर जहाँ चाहेंगे वहाँ ले चलेंगे। कृपया आप हमें वाहन के रूप में चुनें और हमें कृतार्थ करें। देवी देवताओं ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना आरंभ कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तब वह असमंजस में पड़ गईं, किस पशु पक्षी को अपना वाहन चुने। इस बीच पशु पक्षियों में भी होड़ लग गई कि वह लक्ष्मी जी का वाहन बने। इधर लक्ष्मी जी सोच विचार कर ही रही थी तब तक पशु पक्षियों में लड़ाई होने लग गई। इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मैं पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी एक को अपना वाहन बनाऊंगी। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी जी की राह निहारने लगे। रात्रि के समय जैसे ही लक्ष्मी जी धरती पर पधारी, उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें देखा और तीव्र गति से उनके समीप पहुँच गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि माँ, आप मुझे अपना वाहन स्वीकारें। लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई भी पशु या पक्षी वहाँ नजर नहीं आया, तो उन्होंने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर लिया। तभी से उन्हें उल्लूक वाहिनी कहा जाता है। जय माँ लक्ष्मी।